नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि बिज़नेस में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे आप बिज़नेस में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं जो लोग, कुछ लोग ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक ही तरह की, इसी मार्केट में जाते हैं आप तो किसी एक आइटम की, किसी भी आइटम को ले लो, उस तरह की कई सारी दुकानें होती हैं एक मार्केट में। लेकिन ऐसा आपने देखा है कभी कि किसी दुकान पर, किसी एक दुकान पर या दो तीन दुकानों पर भीड़ ज़्यादा होती है और बाकी दुकानों पर भीड़ कम होती है। चलिए ये बात हो गई। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, किसी भी, चाहे टूथब्रश ले लो, चाहे टूथपेस्ट ले लो, या और भी कोई सैकड़ों हज़ार लाखों आइटम है। उसी तरह के एक ही कैटेगरी में 500 आइटम है, बड़ी छोटी कई कंपनियाँ बनाती हैं। कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट उसी तरह के। सपोज करो टूथपेस्ट या टूथब्रश की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट ज़्यादा बिकता है और उससे भी अच्छा हो सकता है पर्टिकुलर दूसरा, लेकिन वो नहीं बिक पाता उतना। तो फिर क्या समस्या आती है, ऐसा क्यों क्यों कुछ लोग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, क्यों कुछ लोग इतने सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप करने के लिए आपको सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए। एक आइडिया होता है, एक बिज़नेस की जो सफल बिज़नेस की जो नींव होती है वो एक आइडिया के ऊपर डिपेंड करती है, आइडिया के ऊपर चढ़ी होती है। एक अच्छा सा आइडिया, एक सफल आइडिया होता है। आइडिया कई तरह के होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ आइडिया होते हैं कि नहीं, यानी कि हमें कुछ अच्छे लगते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है कि यार मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ, या फिर मैंने उतना ही देखा है, मेरा अभी दिमागी क्षेत्र ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब आइडियाज़ बहुत सारे नहीं आते हैं मुझे। मुझे जितने आइडिया आते हैं उनके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया अपने माइंड में कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो दोस्तों माफ़ करिएगा, आजकल ये सब आइडिया नहीं चलते हैं। आजकल आइडिया वो चलता है जिसका कुछ यूनिक हो, जो जिसके अंदर स्केलेबिलिटी हो, यानी कि वो एक्सपेंड किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, या फिर कुछ अलग हटकर हो। मार्केट एक आइडिया लाने के लाया कैसे जाए, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं तो। लेकिन आइडिया लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर देखना होगा पर्टिकुलर मार्केट में, समाज में, यहाँ वहाँ देखिए कि कौन सी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब वो ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन फिर भी उसमें क्या कमी है, ऐसी कौन सी कमी है जो उसको ख़त्म किया जा सकता है। आपने देखा होगा तमाम कंपनियां किसी समस्या को लेकर ही आई थी, समस्या का समाधान के रूप में आई थी, जैसे ओला वगैरह है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये फ्री स्विगी है, ये आपका जो फूड वाली सर्विसेज हैं, इस तरह की कई कंपनियां जी समस्याओं से प्रेरित होकर आईं। लोगों को मतलब प्रॉपर टैक्सी नहीं मिलती थी, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कोई टैक्सी या कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। अब इसमें आप फ़ोन पर बैठो, एक ऐप में बटन दबाओ, कुछ बटन दबाओ, कहाँ पे खड़े हैं, क्या है, आपको किराया भी पता चल जाएगा और नज़दीक जो गाड़ी होगी वो आ जाएगी। तो ये समस्या, लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। आप किसी दिन घर में बैठे हैं, आपका खाने का मन नहीं है, बनाने का मन नहीं है और कुछ अलग हटके खाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि फला फला रेस्टोरेंट में जाएं, लेकिन आपका इच्छा भी नहीं कि वो रेस्टोरेंट यहाँ से 40-50 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर दूर है, या कुछ ज़्यादा अलग है, या फिर मूड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि काश उस रेस्टोरेंट का कोई सामान हमारे पास और आ जाता है यहाँ पर। अब लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बांध दिया है कि 3 किलोमीटर के अंदर में या 5 किलोमीटर के अंदर हम सर्विस देंगे, आपसे वो दूर है तो कैसे करेंगे। अब इसी समस्या को पकड़ते हुए ये स्विगी है और भी इसी तरह की जो कंपनियां हैं वो सब आई हैं यहाँ पर। अब उसमें क्या है, आप इंटरनेट पर एक ऐप डाउनलोड करेंगे आप, और उसके थ्रू अपना मनपसंद रेस्टोरेंट का कौन सा आइटम चाहिए वो आपको रेट वेट पता चल जाएगा और आप उसे बुला लेंगे, खा लेंगे, वो आपके पास तुरंत थोड़ी बहुत देर में, एक निश्चित समय में पहुंच जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे आइडिया हैं, तो इस तरह से आप एक आइडिया लें, जब एक अच्छा सा आइडिया आ जाए आपके दिमाग में और ये उसके बारे में फिर डिस्कशन करें, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें, सोचें उसके बारे में, दोस्तों से राय लें, कुछ बिज़नेस एक्सपर्ट्स होते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट होते हैं, उनसे बात करें,
तो इसके बाद आप तुरंत शुरू कर दें, उसके बाद शुरू कर दें। और आजकल एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जितनी आप टेक्निकल चीज़ों को लेके आएंगे, जितना ऑनलाइन ये जी इंटरनेट का जितना सर्विस करेंगे, जैसे कि सपोज करो एप्स वगैरह बना लिए या कुछ और कर लिया, इस तरह से की चीज़ें से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और बिज़नेस को एक्सपेंड करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिज़नेस आगे बढ़ेगा। इसके बाद क्या होता है, आपने कर लिया, अब उसको शुरू करना है। शुरू करने के बाद में आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपको सबसे ज़्यादा देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सफल और असफल लोगों के बीच में क्या फ़र्क आता है। असफल लोग भी असफल लोग वो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। सफल लोग उसका उल्टा करते हैं, सफल लोग जो उनको करना चाहिए वही करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठना किसे ना किसे पसंद है, बहुत कम लोगों को पसंद होगा जल्दी उठना, लेकिन सफल लोग जल्दी उठते हैं, मेहनत करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक काम करते हैं। असफल लोग 5 घंटे 7 घंटे काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, त्याग करना पड़ता है किसी बिज़नेस को चलाने के लिए, बहुत दिन रात गधे की तरह लगना पड़ता है आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी जब आप शुरू कर देते हैं बिज़नेस को, शुरू करने के बाद में आपको निरंतर एक निरंतरता होनी है। ऐसा नहीं कि आज आप सुबह 5 बजे उठ गए, कल आप 7 बजे उठ रहे हैं, फिर 7:30 बजे उठ रहे हैं, नहीं, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है अपने किसी भी चीज़ में। नए नए आइडियाज़ विकसित करने हैं धीमे धीमे, जैसे आपने काम शुरू भी कर दिया लेकिन उसमें कुछ और निरंतर सुधार करना करते रहना है, कंटिन्यूस आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ये निरंतर प्रक्रियाएँ हैं जो निरंतर चलेंगी, हमेशा चलेंगी, तभी आप अपने बिजनेस में सफल हो सकेंगे। इसके अलावा जब ये काम हो जाता है आपका, यहाँ तक कंटिन्यूटी हो गई, सब कुछ है, अब आप उस बिज़नेस में लग जाएंगे। उस बिज़नेस की दूसरा एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपको आफ्टर सेल सर्विस पर भी ध्यान देना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी ध्यान रखना है। आज के समय में कस्टमर किंग है, आपको अगर उसका ध्यान नहीं रखा आपने तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आगे ध्यान रखना, मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा इस तरह से, अब मैं मोटिवेशनल वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूँ बिज़नेस में कैसे सफल हो, तो आगे कुछ और बातों को कवर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी बातें कवर हो भी नहीं पाती हैं।